जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के नाशिक शहर में भोलेनाथ का सबसे लोकप्रिय मंदिर यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचना है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा होता है त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, त्र्यंबकेश्वर में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ आपको नासिक से त्र्यंबकेश्वर कितना दूरी पड़ता है, कौन सा साधन होगा, इन सब की भी जानकारी आपको मैं साझा करूंगा। और साथ ही साथ नासिक में त्र्यंबकेश्वर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा, यानी कि हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। दोस्तों यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका नासिक रोड रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अगर आपका बाई ट्रेन माध्यम है तो आप नासिक रोड उतर सकते हैं। आपको देश के प्रमुख जगहों से आपको नासिक रोड के लिए ट्रेन इजिली अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप नासिक रोड पहुंची और वहां से 30 से 32 किलोमीटर की जो आपकी बाई रोड डिस्टेंस है वो आप दूरी तय कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं कि वो यात्रा आपको कैसे तय करनी है। तो दोस्तों सबसे पहला यहां पे ऑप्शन है आपके पास बस के माध्यम से। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको यहां पे एक सिटी बस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ वहां पे आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो वालों को आपको ये बोलना है कि हमको बस स्टैंड ड्रॉप कर दे, जिसको मेला बस स्टैंड भी बोला जाता है। तो दोस्तों वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे आपका स्थित है मेला बस स्टैंड, तो वहां आप जा सकते हैं नासिक के मेला बस स्टैंड। और मेला बस स्टैंड से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए डायरेक्ट बस मिलती है और आपको वो त्र्यंबकेश्वर ड्रॉप कर देगी। 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए मान के चलिए आपको एक घंटे का समय लगेगा। और वही अगर मैं बात करूं टिकट की, तो आपका 22 से 25 रुपए एक आदमी का टिकट होता है और आपको वो त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पे छोड़ देगा। तो ये तो था एक ऑप्शन कि अगर आप सिटी बस के माध्यम से यानी कि गवर्नमेंट की स्टेट बस के माध्यम से आना चाहते हैं, तो वही अगर आप खुद की गाड़ी यानी कि रिजर्व करके भी जाना चाहते हैं तो आप वहां से कैब भी टैक्सी भी रिजर्व करके जा सकते हैं। टैक्सी वाला दोस्तों आपका मान के चलिए कि 800 रुपए 900 रुपए लेगा और आपको आराम से त्र्यंबकेश्वर ड्रॉप कर देगा, जो कि आपको 40 से 45 मिनट लगेगा। तो दोस्तों ये था कि अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो ये सारी चीजें थी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका क्या माध्यम होगा। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका नासिक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों आप नासिक के एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और वहां से आप टैक्सी बस जो भी आपको मिल जाए वहां से आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। वही मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं यानी कि बाई रोड माध्यम से, तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको तो इजीली बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, चाहे वो स्टेट बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो। वही अगर मैं बात करूं कि इंटर स्टेट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट्स के लिए भी आपको नासिक त्र्यंबकेश्वर के लिए इजीली बस अवेलेबल हो जाती है। कुल मिलाकर आप बाई रोड भी आराम से पहुँच सकते हैं त्र्यंबकेश्वर यात्रा करने के लिए। चलिए दोस्तों हम त्र्यंबकेश्वर पहुँच चुके हैं और अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम त्र्यंबकेश्वर में कहाँ स्टे करें जो कि सबसे सस्ता भी हो और हमारा होटल कैटेगरी भी काफी अच्छा हो। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका यहाँ पे गजानन स्वामी संस्थान के ट्रस्ट का रूम। दोस्तों हालांकि गजानन स्वामी जी हैं जी यानी कि जो आपके मुख्य मंदिर है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित शेगांव में आपका गजानन स्वामी जी का मुख्य मंदिर पड़ता है, जैसा कि शिरडी साईं बाबा का टेम्पल है इसी तरीके से गजानन स्वामी का भी एक मंदिर जो कि वो एक संत है। तो गजानन स्वामी जी का वहाँ पे नासिक में भी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे रूम सर्विस खाने की सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। तो आप गजानन स्वामी जी के ट्रस्ट में आप जाकर रूम देख सकते हैं। नॉन एसी रूम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों 450 से 500 रुपये आपका रूम का भाड़ा होता है, तो आप रुक सकते हैं। वही अगर एसी रूम की बात करूँ तो मान के चलिए कि आपको 900 से 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो आप 4 बेड वाले कमरे पर आराम से फैमिली एकोमोडेट हो सकती है। वही आपको मैं बात करूँ खाने पीने की इसी के साथ साथ, तो दोस्तों जो गजानन स्वामी संस्थान का ट्रस्ट है वहीं पर आपका वहाँ पे प्रसादालय भी है यानी कि भोजनालय भी। 50 रुपये आपको वहाँ पे टिकट कटानी है और एक आदमी भर पेट खाना खा सकता है जितना भी उसको खाना है। चलिए दोस्तों ये तो था पहले ऑप्शन की बात। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है उसके संस्थान की तरफ से यहाँ पे शिव प्रसाद का एक गेस्ट हाउस है, तो वहाँ भी आप अपना स्टे बना सकते हैं जो कि आपका त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड के पास में ही लगा हुआ है शिव प्रसाद गेस्ट हाउस। तो यहाँ आप शिव प्रसाद में जाके अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ की भी कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो आपका 300 400 रुपए होता है और आप आराम से रूम लेके यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों जगह नहीं मिलते हैं तो फिर आप अंतिम ऑप्शन जा सकते हैं जो कि है वहाँ पे बहुत सारे भक्त निवास, बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे लॉज, या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है प्राइवेट होटल्स का। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि त्र्यंबकेश्वर में आपको रुकने की कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप कम बजट में अपना स्टे बना सकते हैं।
चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि महादेव के दर्शन करने हैं। दोस्तों हालांकि आपको मालूम होगा कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में भी आता है, तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पे कुशावर्ता तीर्थ कुंड है, यहाँ पे आपको स्नान करना है। यानी कि यहाँ पे गोदावरी नदी का पानी एकत्रित है और इसी जो कुशावर्ता तीर्थ है यहाँ पे लोग डुबकी लगा के स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। दोस्तों ये कुशावर्ता तीर्थ ही वही स्थान है जहाँ पे जो 4 सालों में एक महाकुंभ लगता है, यह इसी स्थान पे कुंभ लगता है जो कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के तट पर कुशावर्ता तीर्थ में महाकुंभ लगता है। तो ये वही कुंड है, तो यहाँ पे आप स्नान कीजिए और स्नान करने के पश्चात आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। दोस्तों दर्शन लाइन में आपको लगने से पहले एक चीज ध्यान रखना है और कि आपके साथ मोबाइल कैमरा सेल्फी स्टिक ये सारी चीज़ें नहीं हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप वहाँ लॉकर में रख सकते हैं, वहाँ पे आप आराम से जूते चप्पल भी रख सकते हैं। वहाँ पे काउंटर बने हुए हैं जूते चप्पल के, तो जूते चप्पल के स्टैंड पे आप अपने जूते चप्पल उतार दीजिए और आप मोबाइल वाइल रख के महादेव के दर्शन के लिए लाइन में लगिए। हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप लाइन में लगे रहिए और आपको कुछ ही देर बाद आपको महादेव के दर्शन होंगे। चलिए दोस्तों दर्शन के संबंधित हम बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं कि आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए कौन से समय पे योजना बनानी चाहिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए और आपको ज़्यादा भीड़ का भी सामना ना करना पड़े। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है त्र्यंबकेश्वर में वो होती है सावन के माह में महाशिवरात्रि के दिन, और हर सोमवार को जो लोकल भीड़ होती है वो त्र्यंबकेश्वर में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सोमवार के दिन आएंगे तो मान के चलिए आपको 4 घंटे 4.5 घंटे दर्शन लाइन में लग जाएंगे। वही अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो मान के चलिए कि 6 घंटे 7 घंटे और वो और भी आगे जा सकता है, निर्भर करता है कितने वहाँ श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। तो आप सावन महीने को अगर अवॉइड करते हैं तो बाकी जो भी समय रहता है तो आप मान के चलिए कि हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा पकड़ के चलिए कि 2 घंटे में आप महादेव के दर्शन कर लेंगे और आपको ज़्यादा भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तिथि बातें कि आपको कब आना चाहिए और आपको कौन से समय पर आना चाहिए। तो दोस्तों आप दर्शन लाइन में लगे हैं, हर हर महादेव का नाम लीजिए। यहाँ पर रेलिंग बनी हुई है दर्शन के लिए मंदिर के बाहर ही, तो वहाँ पर आप रेलिंग से गुजरेंगे और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ते हुए हम गर्भगृह में पहुँचेंगे। जैसे गर्भगृह में पहुँचेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर गर्भगृह के अंदर तक ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन करने नहीं दिया जाता है, आपको वहाँ से दूर से ही आपको दर्शन करने हैं। महादेव ये रहे हमारे सामने, इनकी ज्योतिर्लिंग, हर हर महादेव का नाम लीजिए, इनके आशीर्वाद लीजिए, मनोकामनाएं मांगिए और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मुख्य बात यहाँ पे और एक आती है कि आपको अगर स्पर्श करके दर्शन करने हैं तो सुबेरे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक गर्भगृह में प्रवेश करने दिया जाता है, लेकिन सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता। तो अगर आप जलाभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं तो 6 से 7 बजे के बीच में आप जाके आप ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन कर सकते हैं और 7 बजे के पश्चात वापस से उसको गर्भ को बंद कर दिया जाता है और फिर आपको दूर से ही दर्शन करने को दिया जाता है। तो दोस्तों हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए, एक परिक्रमा किए, हर हर महादेव का नाम हम लेते रहेंगे जब तक हमारी त्र्यंबकेश्वर यात्रा ये खत्म नहीं हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको त्र्यंबकेश्वर के और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे हमको विजिट करना है और जहाँ पे हमको घूमना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको 2 हिस्सों में आपको त्र्यंबकेश्वर घूमना है, एक तो है आपका पर्वती दर्शन, दूसरा है आपका शहरी दर्शन। कुल मिलाकर यहाँ पे जो आप त्र्यंबकेश्वर में है यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे आपको बहुत सारे चीज़ें घूमनी है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत जो कि आपका 1800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत जाने के लिए आपको मान के चलिए कि 1500 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत में यहाँ पे दोस्तों आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ही आप 1000 सीढ़ी के आसपास पहुँचेंगे यानी कि आधे रास्ते में आप शिव मंदिर मिलेगी जिसको जटाशिव मंदिर भी बोला जाता है, जहाँ पे शंकर जी ने अपने जटा पटका था, यहाँ पे ये शिव मंदिर है जिसको जटाशिव मंदिर बोला जाता है, तो इनके भी दर्शन कीजिए। साथ ही साथ आप ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे आपको एक राम कुंड लक्ष्मण कुंड मिलेगा, तो इस कुंड में भी आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं, इनके भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और आप पहुँचेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत, तो वहाँ भी उनके भी आप दर्शन करके ब्रह्मगिरी पर्वत का ये सारा स्थान घूम सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से ही लगा हुआ एक वहाँ पे गोरखनाथ गुफा है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। गोरखनाथ गुफा से ही लगा हुआ वहाँ पे आपका नीलाम्बी देवी मंदिर है, मंटम्बा देवी मंदिर है, ये 2-3 मंदिर है, तो यहाँ भी आप इनके दर्शन कीजिए। ये दर्शन करने के पश्चात अब हम नासिक के शहरी स्थान को विजिट करेंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कुछ मुख्य मंदिर है, उनके भी हम दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, वो है आपका सीता गुफा। सकरी रास्ता है, यहाँ से आपको झुक के जाना पड़ेगा और गुफा में पहुँच के आप सीता माता के दर्शन करेंगे। अगले स्थान की बात की जाए दोस्तों, वो है आपका पंचवटी। पंचवटी में दोस्तों यहाँ पे लंबे लंबे 5 वृक्ष हैं जिसको वट वृक्ष भी बोला जाता है।
आता है। तो ये पंचवटी वृक्ष के लिए फेमस है। यहाँ भी आप इनके पहुँचिए, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, दिया जलाना है दिया जला सकते हैं। और आप अगले स्थान पर पहुँचेंगे अजनी पर्वत पे। अजनी पर्वत पे यानी दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी की माता श्री और हनुमान जी दोनों जी की यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलेगी। ये भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। नासिक शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजनी पर्वत है। तो यहाँ भी जाके आप मथुरा टेकिए, मनोकामनाएं मांगिए और अगले स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए। वो है आपका सिद्ध हनुमान जी मंदिर। यहाँ पे दोस्तों हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, सिद्ध हनुमान जी मंदिर इनको कहा जाता है। यहाँ भी आप जाइए, इनके दर्शन कीजिए और आप अंतिम स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए। वो है आपका गंगा गोदावरी मंदिर। दोस्तों गंगा गोदावरी मंदिर नासिक से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका गंगा माता का मंदिर है, गोदावरी मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप नासिक को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि ये सारे स्थान को घूमने के लिए हमारा खर्चा कितना लग जाएगा, हमको वहाँ क्या लेकर घूमना चाहिए। दोस्तों मैंने जो पहले हिस्से में बताया था यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत वाला जो हिस्सा था, गोरखनाथ गुफा था, ये सारी चीज़ें तो आप पैदल ही कर सकते हैं क्योंकि आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं शहरी दर्शन की बात करूँ यानी कि जो दर्शनीय स्थल जो शहर में थे, नासिक में थे, तो वो सब के लिए आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला दोस्तों आपका ये 500-400 लेगा और आपको ये सारे स्थानों को घुमाकर आपको वापस रेलवे स्टेशन पे या बस स्थान पे जहां भी आप बोलेंगे वहां वो ड्रॉप कर देगा। तो ये था दोस्तों कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और हमको कैसे एक्सप्लोर करना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि नासिक यात्रा को बनाने के लिए हमको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों आपका मान के चलिए कि 1 night 2 days सफिशियंट है। पहले दिन आप नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए और ब्रह्मगिरी पर्वत, गोरखनाथ गुफा, ये सारी चीजें दर्शन करने के बाद उस रात स्टे किए। अगले दिन आपको वहां से प्रस्थान करना है नासिक की तरफ और नासिक के लोकल घूमना है। उसी दिन शाम को आप अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कुल मिलाकर 1 night 2 days का स्टे सफिशियंट है और आप आराम से नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और आसपास की जो भी वहां पे दर्शनीय स्थल है वो सब आप एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं कि नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं, कुल मिलाकर अगर आप ट्रस्ट के होटल में रुकते हैं, वहां का भोजन करते हैं और आप 1 night 2 days का स्टे बनाते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि पर पर्सन कॉस्ट आपका 2,000 to 2,500 आएगा। इस कॉस्ट में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस कॉस्ट में मैंने केवल और केवल आपके बस की टिकट, होटल की टिकट और आपको खाने पीने की जो भी खर्चे होंगे वो सबको ऐड किया जाए। तो मान के चलिए कि आप 2,000 to 2,500 में आप आराम से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूम लेंगे और आप महादेव के दर्शन आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी यात्रावास में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझ तक प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और उस पर क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।